में से निकाल के स्पॉट में डाला है, क्योंकि अब मुझे स्पॉट में ना बनाना है क्या उसको कहते हैं पुलाव, तो इसको फिर चूल्हे पे रख दी। तो चीज़ें साथ साथ रेडी हो रही हैं और मैं साथ साथ ना प्लेटिंग करनी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो ये है कि आज मेरे अब्बू की बरसी में कर रही हूँ। वैसे तो वो 13 रमदान को होती है, लेकिन उस पर मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा चलो दुआ करने का, क्या दुआ तो हम कभी भी कर सकते हैं, तो दुआ की फजीलत है, अपने वालदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। और मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे कि मैं आपको हर साल बताती हूँ कि मैं अपने अब्बू के लिए दुआए मगफरत, दुआए खैर करती हूँ और उसके साथ खाना बनाती हूँ, खाना बांटती हूँ। और इसलिए कि मेरे अब्बू को खाना लोगों को खिलाना बहुत बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं उनके मतलब याद करती हूँ। याद तो आप उनको हमेशा करते हैं, जो आपके बहुत प्यारे बहुत दिल के करीब होते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो भूल तो आप उनको नहीं सकते हो, कभी भी नहीं भूल सकते हो। लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ आपको सब्र आ जाता है, ये वो, मैं कहती हूँ ये सब बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी याद हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है। आप ज़िंदगी में दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप उनको नहीं भूल सकते हो। तो बस उनको याद करती हूँ, साथ साथ उनके लिए दुआ करती हूँ और उनके लिए खाना बनाऊँगी और सब घरों में तकसीम करूँगी जिन जिन को मैं जानती हूँ, और सवाब होगा। और आप भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो जो आपके प्यारे हमारे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए दुआए खैर दुआए मगफरत करें, और स्पेशली मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, काफ़ी सारी कुकिंग करने वाली है कि क्या क्या कुक करते हैं और कैसे कुक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दुआ को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो दुआ को स्कूल छोड़ते हैं और उसके बाद फिर आके स्ट्रेट अवे कुकिंग शुरू करते हैं। दुआ स्कूल जा रही है, लेट हो गया, जल्दी जल्दी जा रही है। यस दुआ, ये देखें जी, अब मैं दुआ को छोड़ के आ चुकी हूँ और आके अब मेरा जो काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ और आपको चीज़ें भी बताती हूँ कि क्या क्या पकाने लगी। सबसे पहले मैं जर्दा और पुलाव पकाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू को जर्दा और पुलाव पसंद था और वो दोनों उसको ना मिक्स करके खाते होते थे, तो वो पकाऊंगी। और उसके अलावा फिर आपको सारी चीज़ें साथ साथ दिखाती हूँ, तो वीडियो को मेरे साथ साथ देखते रहें और मुझे फॉलो करते रहें और देखें कि मैं क्या क्या पका रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब जल्दी से खाना पकाना। ये देखें जी, ज़र्दा मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। मैंने इस पॉट में से निकाल के इस पॉट में डाला है, क्योंकि अब मुझे इस पॉट में ना बनाना है क्या उसको कहते हैं पुलाव, तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया वॉश करके। लेकिन ये देखें कैसा ज़बरदस्त प्रो ज़र्दा मेरा तैयार हो चुका हुआ है। ज़र्दे का थोड़ा सा ना चावल का कलर जो सा है ना वो डार्क इसलिए हो गया है कि वो गलती से मेरे से ना इसके अंदर रेड कलर भी चला गया, तो वो रेड और येलो मिलके ये ऑरेंज बन गया। बट एनीवेज टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो जर्दे का ये पॉट रेडी हो गया हुआ है। अब इधर पुलाव की तैयारी शुरू होने लगी है, पॉट मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, इधर चावल भुगो दिए। पुलाव मैं दो जगह पर पकाऊंगी, क्योंकि मेरे चूल्हे की ना आग इतनी तेज़ नहीं है तो इस वजह से, और चिकन भी मैंने वॉश कर लिया है। तो बस अब जल्दी जल्दी से चीज़ें शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये देख लो जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो पॉट्स में पका रही हूँ, तो दोनों मैंने साथ ही रख दिए। तो मैंने कहा चलो स्लोली स्लोली ये पक जाएंगे, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी जल्दी से 2 बजे तक एटलीस्ट खाना पकाना फिनिश कर दूँ, तो क्योंकि बांटने भी जाना है और कुछ घर ज़्यादा दूर दूर भी हैं तो वहाँ भी जाना है इसलिए। तो ये देखें, एक ये पक रहा है और एक ये पक रहा है, तो इंशाल्लाह स्लोली स्लोली हो जाएगा काम। ये देखो जी पुलाव, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से पक रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन ठीक था जो मैंने ना लिया था कि दो पॉट्स में पकाएं, तो दोनों में अच्छे से नाइसली कुक हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पक जाएगा। और इधर ये देखें मसालों के जो डिब्बे हैं ना, ये भी सारे रीफिल करने वाले थे, तो इन सबको मैंने रीफिल कर दिया और बाकी जो बचे हैं उनको ऐसे रबड़ चढ़ा के रख दिए, तो बस अब बाकी के काम करते हैं। तो जी ये फ्राइंग का सामान शुरू होने लगा, और आज इधर मैं आपको दिखाती हूँ इधर क्या क्या है। ये देखो, सबसे पहले फ्रूट चाट ज़बरदस्त किस्म का, इसको रखते हैं साइड पे, और आपको दिखाती हूँ इधर
पुलाव रेडी है जबरदस्त सा। ये देखिए लाइट ऑन कर ले, लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए जबरदस्त सा पुलाव, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक ये है जरदा। तो माशाल्लाह से मेरा खाना ऑलमोस्ट पक गया और मैं बड़ी हैप्पी हूँ। बस अब फ्राइंग शुरू करते हैं। ये देखें जी, फ्राइंग का काम शुरू हो चुका हुआ है और फ्राइंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं अदनान जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, सब ठीक ठाक हैं जी, सब कुशल मंगल। यस, ये देखें जी पकौड़े बन रहे हैं और इस तरफ मैंने ये आलू वाले पकौड़ों का भी मटीरियल घोल रही है, वो भी देखें सारी चीज़ें रेडी हैं। बस तो साथ साथ हम बना रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम स्कूल से पहले पहले ना 3 बजे से पहले पहले मतलब सारा कुछ रेडी कर दें, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना उन सब ने स्कूल आना है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्कूल में ही उनको दे के फारिग कर दूँ, घर जाने में ना बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर पड़ जाएगा। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके तो चीज़ें साथ साथ रेडी हो रही हैं और मैं साथ साथ ना प्लेटिंग करनी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें बस स्कूल के लिए निकलना है दुआ को लेने के लिए, और जो लोग स्कूल आएंगे ना उनको उधर ही मैंने दे देना है। तो माशाल्लाह से ये देखें पकौड़े इतने सारे, ये अभी अदनान मेरी हेल्प की है, अदनान ने काफ़ी सारी तो वो कर रहे हैं। इस तरफ पड़ी हुई है फ्रूट चाट, तो बस ये सारे अच्छी तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ डाल के, तो उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, साइमा और इब्राहिम दोनों लगे हुए हैं माशाल्लाह पैकिंग करने, हाँ जी प्लेटिंग कर रहे हैं। देखें जल्दी से जर्दा और ये बिरयानी, इब्राहिम इधर हो रहा है, इब्राहिम इधर डाल रहा है। तो ये देखें सब आसान पैकिंग हो रही है, कुछ अभी पकौड़े वगैरह मैं भी बना रहा हूँ उधर, ये सामान इधर पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह दुआओं में सब याद रखें, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए जो भी हम ये कर रहे हैं। सामा के अबू को जनरल फिरदौस में जगह था फरमाए, उनके लिए हम स्पेशली कर रहे हैं। तो बस जितने भी हमारे रिश्तेदार जो भी फौत कर गए हैं, अल्लाह सब की मफ़रत फरमाए, आमीन। ये देखें जी, ये देखें जी हमारा इफ्तार रेडी है। तो बस माशाल्लाह से अब इसको हम जल्दी जल्दी डाल के लोगों के जिनके भी घरों में जाए अल्लाह ताला कबूल करे, बस हमारी इस एफर्ट को कबूल करे। छोटी सी एक एफर्ट, हाँ जी, मेरे अब्बू को और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सबको पहुंचाए। ये देखो जी, मैंने वीडियो मैंने सारे मतलब रख दिए, मेरे वर्ड गलत मलत नहीं कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी मैं जैकेट पहनना भी भूल गई और इतनी शदीद सर्दी है और ये सबका पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे लेडीज आ रही हैं मैं देख रही हूँ, तो मैं उनको ना साथ साथ बांटती जा रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कौन आई है और उसको फिर पकड़ा दूंगी। अब हम आ गए हैं अपनी गली में। अब हमने दूर दूर मतलब दूर दूर तो नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स थी ना स्कूल के वक्त उनको दे दिया और अदनान चले गए अपने कज़न को देने के लिए, उनके लिए भी दफ्तारी डाली है। और ये बड़ा अच्छा हो गया कि स्कूल टाइम में बन गए ना, तो जो फ्रेंड्स मेरे थे उनको मैंने बोला आप स्कूल के बाहर से मेरे से कलेक्ट करें। अब बस हमारे नेबर्स रह गए, नेबर्स को देते हैं और उसके बाद फिर आपको घर चल के दिखाते हैं। तो जी मैं घर आ चुकी हूँ सब कुछ बांट के, और मैं आपको अब अपने घर की बिफोर एंड आफ्टर हालत दिखाती हूँ। और आप बिलीव करो मैं तकरीबन कल से लगी हुई हूँ और सुबह भी मैं सहरी के बाद से लगी हुई हूँ कॉन्टिन्यूसली। और इस वक्त अब बज चुके हैं 4:30 के, 5 बज गए आई थिंक, और अभी तक लगी हुई हूँ। तो आपको दिखाती हूँ। सो जब इंसान अकेला होता है ना तो बहुत काम होते हैं, बहुत काम है। एक्चुअली इब्राहिम ने और अदनान ने आज मेरी काफ़ी हेल्प की है, और अदनान अभी गए हैं अपने कज़न की तरफ, तो वो तो अभी आएंगे लेटर ऑन ही, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा दूर है। तो आपको मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ। देखो जी यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखे, सो ये रियलिटी होती है किसी भी कुकिंग। ये देखो हालत देखते जाना, चेक करते जाना, कुकिंग जब होती है ना उसके बाद की। और अभी जिधर हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो किया ना, आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। आ जाए देखें, ये देखें यहाँ से शुरू हो जाते हैं ये भी। सो ये देखें, ये सारा मैं सभी हमने संभालना है, समेटना है। और ये देखें ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो बस इसको संभालते हैं और इसको समेटते हैं, फिर आपको आफ्टर की हालत दिखाऊंगी। ये देखें जी किचन क्लीन हो चुका है, और इस तरफ देखें पूरा बर्तनों का पहाड़ आपको नजर आएगा। तो ये सारे जो बड़े बड़े पॉट्स एंड पैन्स थे ना, ये तो धोने थे हाथ से, ये तो डिश वॉशर में नहीं जाते हैं। तो
तो इन सब को धो के मैंने रख दिया, मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं इनको ना ड्राई कर सकूं, तो खुद ही ड्राई हो जाएंगे, एयर ड्राई होंगे। तो बाकी ये देखें किचन बिल्कुल साफ़ हो गया। अब ये साफ़ नहीं रहना क्योंकि अब मैं गरम करने लगी हूँ। ऑब्वियसली इफ्तारी तो बनी हुई है, बस मैं अब उसको गरम करूँगी क्योंकि अब हमारी भी इफ्तारी में सिर्फ हाफ एन आवर रह गया, तो सारा खाना वाना गरम करके अब अंदर रखने लगी हूँ। ले जी इफ्तारी करके हम बैठ चुके हैं और कोई टीवी देख रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, तो सारे ऐसे ही बस अपना टाइम गुजार रहे हैं। बस थोड़ी देर में सोने के लिए जाएंगे और फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जितने भी प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं खैर करते रहिए, सारा रमज़ान करते रहिए, क्योंकि दुआ का कोई टाइम नहीं होता। जब आपका दिल करे आप दुआ कर सकते हो। तो दुआओं में मेरे अब्बू को भी याद रखिएगा और मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।